स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, कल आप लोगों को ग्रामर का फंडामेंटल चीज बताया गया था और आज उसका जो शेष चीज है उसको उसके बारे में बताया जाएगा। ये जो चीज़ पढ़ाया जाएगा कि 8th से लेकर 10th तक के सभी बच्चे इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब कोर्स बराबर है, हर क्लास में चीज़ पढ़ाया जाएगा। आइए, सबसे पहले कल आपकी बात चल रही थी काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। काइंड्स ऑफ सेंटेंस कल मैंने बताया था कि काइंड्स माने प्रकार, आप माने का, और सेंटेंस माने वाक्य, यानी वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कल मैंने बताया था कि दियर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, और दियर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए, उन्हीं आपके जो सिलेबस में है वो मीनिंग के आधार पर है, जो 5 प्रकार का सेंटेंस होता है उसी को पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला सेंटेंस आपका बनेगा असेंटिव सेंटेंस। असेंटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, मल्टीपल भी सेंटेंस भी कहते हैं। असेंटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिससे साधारण कथन बताया जाए, साधारण कथन प्रस्तुत किया जाए, उसे असेंटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, असेंटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का, एक होगा अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। देखिए, अफर्मेटिव और निगेटिव ये असेंटिव के पार्ट है। असेंटिव के पहला होगा अफर्मेटिव, इसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, और इसको कहते हैं नकारात्मक। अब देखो, आप सीधा डिफिनेशन जानिए कि जब आपने हिंदी में कहा स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव का ये अफर्मेशन भी हो सकता है। स्वीकारात्मक वाक्य का मतलब जिस चीज को हम मान लें या स्वीकार कर लें उसी को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और जिस सेंटेंस में जिस किसी चीज को मानने से हम इनकार कर दें अर्थात ना माने, वो आपका क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। अगर वह एक लड़का है इसको हम मानते हैं कि वो एक लड़का है तो वो अफर्मेटिव होगा। अगर ये हो जाए ही इज नॉट अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है, अर्थात यहाँ मानने से इनकार कर रहे हैं, तो मानने से इनकार कर रहे हैं अर्थात ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा और ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर इस चीज को स्वीकार किया जाता है और इसकी डेफिनेशन कहती है जिस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस चीज को डिनाई कर दिया जाए, नकार दिया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, नकारात्मक कहते हैं। आइए सर, अभी फिर आपको एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं। सबसे पहला असेंटिव सेंटेंस बताया गया। असेंटिव सेंटेंस के दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक अफर्मेटिव, नंबर दो निगेटिव। अफर्मेटिव किसे कहते हैं, जिसको स्वीकार किया जाए उसे अफर्मेटिव कहते हैं, इसको इनकार किया जाए उसे निगेटिव कहते हैं। तो ये आपका पहला सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस आता है आपका इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में कहते हैं, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस जिनसे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का
टू, दियर आर टू काइंड्स ऑफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है, पहला होता है एस आवली नो आंसर टाइप क्वेश्चन, एस आवली नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस। ये दो प्रकार के होते हैं। एक चीज ये जानिए, यस आप दी नो आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं और डब्ल्यू एस टाइप को हम इनडायरेक्ट कह सकते हैं। यस आप दी नो आंसर टाइप क्वेश्चंस को डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं और डब्ल्यू एस टाइप को इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। अब देखिए यस आप दी नो आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, ऐसे सेंटेंस जो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं और हिंदी में अर्थ निकालने पर क्या से प्रारंभ होते हैं, उन्हें हम एस ऑब्लिक नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन वह सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं और उनका हिंदी में अर्थ निकालने पर उस क्वेश्चन वर्ड की हिंदी सेंटेंस के बीच में पड़ती है, उसे हम डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे Are you reading? जैसे देखो पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा है और इसकी अगर हिंदी निकालेंगे तो होगा क्या तुम पढ़ रहे हो। अब देखिए अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब लगा है और हिंदी में क्या आ रहा है, इसलिए अगर आप पढ़ते होंगे तो उत्तर देंगे यस और नहीं पढ़ते होंगे तो उत्तर देंगे नो, इसलिए इसको हम कहेंगे डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। आगे आता है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब देखो व्हाट इज योर नेम में अब मैंने बताया कि जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, तो देखो ये व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है और उसकी हिंदी निकाले तो उस क्वेश्चन वर्ड की हिंदी वाक्य के बीच में पड़े। जैसे तुम्हारा क्या नाम है तो हिंदी कहा के तो क्या अंग्रेजी बीच में आया और अंग्रेजी में पहले आया, ऐसे को हम डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अब इतना आप इसको लर्न करिए, इसके आगे कल बताया जाएगा। धन्यवाद।